गौतम गंभीर को जो भी टीम इंडिया का नया कोच बनाया गया है, तब से टीम इंडिया के सिलेक्शन में गौतम गंभीर ने अपनी पूरी मनमानी दिखाई है। गौतम गंभीर टीम के सिलेक्शन में अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं और एक तरफ देखते हुए यह लगता है कि गौतम गंभीर टीम के कोच बनने के बाद में विराट कोहली और धोनी से अपने पुराने बदले पूरा कर रहे हैं। गंभीर ने कोच बनने के बाद में टीम इंडिया के लगभग 5 सुपरस्टारों का करियर खत्म सा कर दिया है, यानी कि अब ये 5 खिलाड़ी गौतम गंभीर के कार्यकाल में सन्यासी घोषणा कर सकते हैं। इस लिस्ट में आपको जो 5 नंबर खिलाड़ी बताऊंगा वह किस टाइम में टीम इंडिया का सबसे खतरनाक ओपनर था, लेकिन अब वह खिलाड़ी भी गंभीर के कोच बनने के बाद में संन्यास की घोषणा कर सकते हैं। चलिए अब इन 5 खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आते हैं रविंद्र जडेजा। जी हाँ, जैसा कि सभी को पता है कि जडेजा ने T20 वर्ल्ड कप में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया और T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया के जीतने के बाद में जडेजा ने T20 संन्यास की घोषणा भी कर दी है। अब जडेजा सिर्फ T20 लीग और वनडे और टेस्ट मैच खेलेंगे, लेकिन अब गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद में गंभीर ने जडेजा को वनडे क्रिकेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाले T20 और वनडे मैचों के बारे में। श्रीलंका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली थी। यह वनडे सीरीज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2025 में आने वाली चैंपियन ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया को सिर्फ 2 ही वनडे सीरीज खेलनी है, जिसमें पहली श्रीलंका खिलाफ और इसके बाद में इंग्लैंड टीम इंडिया का दौरा करेगी, जिसमें 3 वनडे मैच खेलने हैं। इंडिया की आने वाले समय में कुछ सीरीज के बारे में बात करें तो जुलाई में सबसे पहले टीम इंडिया को श्रीलंका से 3 T20 और 3 वनडे मैच सीरीज खेलनी है। इसके बाद सितंबर से अक्टूबर तक टीम इंडिया को बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैच और साथ ही 3 T20 मैच सीरीज भी खेलनी है। बांग्लादेश से खेलने के बाद में न्यूजीलैंड टीम इंडिया के दौरे पे आएगी, जहां यह टीम 3 टेस्ट मैच सीरीज खेलेगी। इसके बाद नवंबर में टीम इंडिया अफ्रीका के दौरे पे जाएगी, जहां पर टीम को 4 T20 मैच सीरीज खेलनी है। अफ्रीका के बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जाएगी, जहां पर टीम इंडिया को 5 टेस्ट मैच सीरीज खेलनी है और यह सीरीज नवंबर से लेकर जनवरी तक खेली जाएगी। इसके बाद जनवरी से लेकर फरवरी तक इंग्लैंड टीम इंडिया के दौरे पर आएगी, जहां पर इंग्लैंड टीम 5 T20 और 3 वनडे सीरीज खेलेगी। और इसके बाद आने वाले 2025 के फरवरी में सभी को पता कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन होने वाला है, तो टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में हिस्सा लेगी। तो इस तरह चैंपियन ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया को ओनली 2 वनडे सीरीज खेलनी है, जिनमें पहली श्रीलंका के खिलाफ और अगली इंग्लैंड के खिलाफ खेलनी है। तो अब जडेजा का श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चयन नहीं हुआ है, और अगर जडेजा को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका नहीं दिया जाता है तो इसका मतलब साफ है कि जडेजा को चैंपियन ट्रॉफी नहीं खिलाई जाएगी। और अगर जडेजा को वनडे से बाहर रखते हैं तो आने वाले कुछ समय में जडेजा वनडे से संन्यास की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि जडेजा टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही बड़े प्रदर्शन दिखाते हैं, जिससे कि जडेजा टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए रह सकते हैं। जडेजा एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और जडेजा के वनडे करियर की बात करें तो जडेजा ने अब तक 197 वनडे मैचों में 220 विकेट अपने नाम किए हैं। इसके बाद गंभीर के कार्यकाल में ही दूसरे नंबर पर मोहम्मद शमी भी संन्यास की घोषणा कर सकते हैं। मोहम्मद शमी, जिन्होंने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था और इसके अलावा 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी शमी टीम का हिस्सा थे, लेकिन अब शमी को 2023 के T20 वर्ल्ड कप से बाहर किया गया था और शमी बहुत दिनों से टीम से बाहर चल रहे हैं। ऐसे में टीम इंडिया में शमी का सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हाल ही में टीम इंडिया के पास बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग विकल्प हैं, जिससे कि टीम इंडिया को शमी की कमी नहीं खलने वाली है। और शमी का अगर वनडे क्रिकेट में चयन नहीं होता है तो शमी आने वाले कुछ समय में संन्यास की घोषणा कर सकते हैं। शमी के वनडे करियर की बात करें तो शमी ने अब तक 101 वनडे मैचों में 195 विकेट अपने नाम किए हैं। इसके बाद नंबर 3 पर जो खिलाड़ी आता है, जो कि 2024 के बाद में संन्यास की घोषणा कर सकता है, तो वह है टीम इंडिया का स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार ने वनडे में 2012 में डेब्यू किया। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने अपना अंतिम ODI मैच जनवरी 2022 में अफ्रीका के खिलाफ खेला, और T20 मैचों में भी भुवनेश्वर कुमार ने 2022 में अपना अंतिम मुकाबला खेला है। यानी कि भुवनेश्वर कुमार को टीम इंडिया से दूर हुए लगभग 2 वर्ष हो गए हैं और अब तक भुवनेश्वर कुमार ने अपनी वापसी नहीं की है, जिससे कि अब भुवनेश्वर कुमार पर वनडे और T20 में संन्यास लेने का दबाव बन रहा है। वनडे में अब तक भुवनेश्वर कुमार ने 121 ODI मैच खेले हैं, जिनमें से 141 विकेट अपने नाम किए हैं। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं रविचंद्र अश्विन। अश्विन भी टीम इंडिया से वनडे और T20 में लगभग 2 साल से बाहर हैं। अश्विन ने अपना आखिरी T20 मैच T20 वर्ल्ड कप में खेला था, जो कि शायद सभी को याद है। तो अश्विन भी आने वाले गंभीर कार्यकाल में संन्यास की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन अश्विन सिर्फ T20 और वनडे से संन्यास की घोषणा करेंगे, अश्विन टेस्ट क्रिकेट खेलते रहेंगे। अश्विन के वनडे करियर की बात करें तो अश्विन ने अब तक 116 मैचों में 156 विकेट अपने नाम किए हैं। तो आने वाले समय में अश्विन T20 और वनडे से संन्यास की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन अश्विन इसके बाद भी टेस्ट क्रिकेट खेलते रहेंगे। टेस्ट में अश्विन और जडेजा की जोड़ी कमाल का खेल दिखाती है, जिसका कोई अभी तक जवाब नहीं है। अब आगे नंबर 5 पर आता है टीम इंडिया का खिलाड़ी, जिसको टीम इंडिया में गब्बर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, शायद आप में से बहुत से टीम इंडिया के गब्बर यानी शिखर धवन को भूल चुके हैं, जो कि किसी समय में टीम इंडिया के लिए बाएं हाथ के सबसे बेहतरीन ओपनर में से एक थे। शिखर धवन के बारे में बात करें तो धवन ने वनडे में 2010 में टीम इंडिया में एंट्री की थी, लेकिन इसके बाद धवन ने अपना आखिरी वनडे 2022 में खेला है। और साथ ही T20 की बात करें तो धवन ने 2011 में टी
T20 खेला और आखिरी T20 मैच 2021 में खेला है। यानी कि शिखर धवन भी पिछले 2-3 साल में टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं और उनकी वापसी के कोई भी संकेत नहीं दिख रहे हैं। शिखर धवन ने टीम इंडिया के लिए अब तक 167 वनडे मैचों में 6793 रन बनाए हैं और टीम इंडिया के लिए बाएं हाथ के सबसे बेहतरीन बैट्समैन में से एक है। शिखर धवन की बात करें तो शिखर धवन की 2017 के चैंपियन ट्रॉफी में बहुत ही अहम भूमिका थी, लेकिन अब आने वाले साल में शिखर धवन स्नैच की घोषणा कर सकते हैं। तो टीम इंडिया के ये 5 खिलाड़ी हैं जो कि आने वाले समय में टीम इंडिया के लिए स्नैच की घोषणा कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।